देखिए इस तस्वीर को एक बार जो है वो गौर से देख लीजिए, ये जो है वो गंगा जल, ये जो है वो देश विदेश से आए हुए तीर्थयात्रियों को इस बार मिलने वाला है, वो भी उपहार के रूप में। आप आइए यहाँ आराम से रहिए, उसके बाद ये गंगा जल जो है आप लेकर जाइए और काफ़ी जो है आपको यहाँ पर जो है वो सेवा भाव से जो है वो आदर सत्कार किया जाएगा। आपको क्या क्या फ्री जो है प्रोवाइड होने वाला है, आपको यहाँ रहना फ्री, खाना फ्री और सिक्योरिटी फ्री, और आप अगर आप जाने लगेंगे तो आपको गिफ्ट भी जो है वो उपहार में दिया जाएगा। और ये व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाया, उसके बाद जो जिला प्रशासन इसको लेकर काफ़ी एक्टिव थी और उसके बाद इन्होंने जो है वो इंतजाम कराया है। अच्छा, यहाँ जो है लगभग 2500 लोगों की रहने का जो है व्यवस्था कराया गया है, तो सभी लोगों के लिए जो है आपूर्ति पूरा हो सकता है क्या? पूरा सारी व्यवस्थाएँ हैं, जितने भी आएंगे सभी के रहने की व्यवस्था है। यदि 2500 से ज़्यादा भी यात्री आएंगे तो उनकी भी अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी और की जाती रही है। सारी सुविधाएं, सुरक्षा को लेकर यहाँ पे क्या है? काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था, हर एक पॉइंट पे सारे सिक्योरिटी लोग रहते हैं, काफ़ी अलर्ट रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं, एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, सुरक्षा, सेवा और सारी चीज़ों का ध्यान हम लोग रखते हैं। गंगा जल जो है वो पैकिंग कहाँ से हो रहा है और ये कहाँ से गंगा जल जो है आया है? वो सुधा डेयरी के से, मतलब पैकिंग वहीं हो रहा है और जिला प्रशासन बिहार सरकार के द्वारा मतलब इनको। अच्छा, एक परिवार से अगर 5-6 लोग आते हैं तो 5-6 लोगों को एक एक व्यक्ति को उपहार के रूप में जो भी यात्री आएंगे यहाँ से जब जाने लगेंगे तो उनको एक एक व्यक्ति, एक एक यात्री को इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? प्रिय रंजन कुमार। ये हेल्प डेस्क किसके लिए बनाया गया है, क्या? गंगा जल वितरण करेंगे, जो आए हुए हमारे अतिथि रहेंगे, हमारे जितने भी गणमान्य जो बाहर से आएंगे, हमारे पिंडदानी लोग, उनके लिए गंगा जल का प्रबंध किया गया है, उनको हम गंगा जल देंगे। अभी आपके पास गंगा जल है? है, दिखाएंगे। देखिए मुख्यमंत्री के आदेश पर 7 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री का गया जो है वो आगमन हुआ, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी तीर्थयात्री आएंगे उनको गंगा जल जो है मुफ्त में देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर किस तरह से गंगा जल का जो है वो पैकिंग किया गया है, पिछले एक बार तस्वीर को दिखा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के भागीरथ प्रयास से गया जी का गंगा जल श्रद्धालुओं को निःशुल्क समर्पित, ये तस्वीर जो है वो देखिए गंगा जल का है। इस तरह से ये पैकेट में जो है वो पैक करके जो है वो ये गंगा जल जो है वो बनाया गया, ये काफ़ी सुंदर तस्वीर है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये पिछले साल ऐसा इंतजाम नहीं किया गया था, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या पिछले साल ऐसा व्यवस्था नहीं, इस साल हुआ है? इस साल हुआ है। हाँ। तो जितने भी तीर्थयात्री देश विदेश से आ रहे हैं उन्हें यहाँ पे जो है वो गंगा जल मुफ्त में मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ टेंट सिटी में जो लोग रहेंगे सिर्फ उनके लिए है या फिर कोई एक दिन के लिए आता है, पूजा अर्चना करता है, उसके बाद भी यहाँ से? एक दिन के लिए भी आए उसको निःशुल्क व्यवस्था है, खाने रहने सब यात्रियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। देखिए तो गंगा जल जो है आप यहाँ से जो है वो रिसीव कर सकते हैं आराम से, दिया जा रहा है उपहार में, यह गंगा जल इस बार दी जा रही है सारे यात्रियों को, गया जी का एक अलग पहचान के रूप में भी उपहार में गया जी की तरफ से यह प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए आपको क्या क्या फ्री जो है प्रोवाइड होने वाला है, आपको यहाँ रहना फ्री, खाना फ्री और सिक्योरिटी फ्री, और आप अगर आप जाने लगेंगे तो आपको गिफ्ट भी जो है वो उपहार में दिया जाएगा। और ये व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाया, उसके बाद जो जिला प्रशासन इसको लेकर काफ़ी एक्टिव थी और उसके बाद इन्होंने जो है वो इंतजाम कराया है। अच्छा, यहाँ जो है लगभग 2500 लोगों की रहने का जो है व्यवस्था कराया गया है, तो सभी लोगों के लिए जो है आपूर्ति पूरा हो सकता है क्या? पूरा सारी व्यवस्थाएँ हैं, जितने भी आएंगे सभी के रहने की व्यवस्था है। यदि 2500 से ज़्यादा भी यात्री आएंगे तो उनकी भी अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी और की जाती रही है। सारी सुविधाएं, सुरक्षा को लेकर यहाँ पे क्या है? काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था, हर एक पॉइंट पे सारे सिक्योरिटी लोग रहते हैं, काफ़ी अलर्ट रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं, एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, सुरक्षा, सेवा और सारी चीज़ों का ध्यान हम लोग रखते हैं। गंगा जल जो है वो पैकिंग कहाँ से हो रहा है और ये कहाँ से गंगा जल जो है आया है? वो सुधा डेयरी के से, मतलब पैकिंग वहीं हो रहा है और जिला प्रशासन बिहार सरकार के द्वारा मतलब इनको। अच्छा, एक परिवार से अगर 5-6 लोग आते हैं तो 5-6 लोगों को एक एक व्यक्ति को उपहार के रूप में जो भी यात्री आएंगे यहाँ से जब जाने लगेंगे तो उनको एक एक व्यक्ति, एक एक यात्री को इनको प्रोवाइड किया जा रहा है, दिया जा रहा है उपहार में। जो लोग विदेश से आएंगे उन्हें भी गंगा जल मिलेगा? सभी लोगों को दिया जाए, विदेश से हो या देश से हो, देश के किसी भी कोने से हो, सभी को गंगा जल दे करके और उनको यहाँ से भेजा जाएगा, अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। देखिए इस तस्वीर को एक बार जो है वो गौर से देख लीजिए, ये जो है वो गंगा जल, ये जो है वो देश विदेश से आए हुए तीर्थयात्रियों को इस बार मिलने वाला है, वो भी उपहार के रूप में। आप आइए यहाँ आराम से रहिए, उसके बाद ये गंगा जल जो है आप लेकर जाइए और काफ़ी जो है आपको यहाँ पर जो है वो सेवा भाव से जो है वो आदर सत्कार किया जाएगा। उसके बाद इसे आप एक उपहार के तौर पर ले जाकर घर में रख सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। देश विदेश के मेहमान जो यहाँ आने वाले हैं उनके लिए खास करके ये एक सुनहरा अवसर है, आप उपहार ले जाइए और यहाँ से सेवा भी लेते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। धन्यवाद साहब।